नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर और सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला है कि सर, फाइनेंस कंपनी के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंस कंपनी से जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी फाइनेंस करवाता है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे कोई भी कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे कोई भी प्राइवेट व्हीकल हो, जब भी कोई व्यक्ति कोई व्हीकल फाइनेंस करवाता है किसी भी फाइनेंस कंपनी से, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि फाइनेंस कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं अपने कस्टमर्स को, और एक दो ईएमआई बाउंस होने पे ही वह रिकवरी एजेंसी के माध्यम से रिकवरी एजेंटों को भेज करके वह कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वो किस प्रकार से परेशान करती हैं और किस प्रकार से ऐसे रिकवरी एजेंट्स और ऐसे रिकवरी एजेंसियों के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी जानेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनेंस कंपनियां किसी भी कंडीशन में कस्टमर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं डाल सकती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, गाड़ी लेना हर किसी का सपना होता है, और वह किसी सपने को साकार करने के लिए ही कोई गाड़ी फाइनेंस करवाता है। सब कुछ ठीक चलता है, जब तक वह ईएमआई देता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही उसकी एक ईएमआई बाउंस होती है, फाइनेंस कंपनी या फिर वो बैंक जहां से उसने फाइनेंस करवाया है, वह उनको परेशान करना शुरू कर देता है। वह रिकवरी एजेंटों के माध्यम से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। अब रिकवरी एजेंट बहुत ही गलत तरीके से गलत व्यवहार करते हैं और वह कस्टमर्स को परेशान करके रख देते हैं। वह कस्टमर्स को धमकी देते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, उनको जहां भी सड़क पे देखते हैं वहां से उनकी गाड़ी उठाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो यह मामला सुनने में आता है कि फाइनेंस कंपनी मारपीट तक कर देते हैं और वह अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं। तो इस कंडीशन में कस्टमर्स के क्या राइट्स हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी राइट आपकी ये है कि यदि कोई भी व्हीकल सीजर, यानी कि जो गाड़ी को सीज करने वाले रिकवरी एजेंसी के जो बंदे होते हैं, अगर वह आपको परेशान करते हैं, ऑन रोड आपको परेशान करते हैं, आपकी गाड़ी का चाबी ले लेते हैं, तो आप सबसे पहले ऐसे लोगों के प्रति एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में इस बात को यह भी कहा है कि एक दो ईएमआई बाउंस होने पे व्हीकल सीज नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ व्हीकल को ऑन रोड से नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन यदि इस प्रकार की कोई भी घटना बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंसी या रिकवरी एजेंटों के माध्यम से करवाती है, तो ऐसे बैंकों या ऐसे फाइनेंस कंपनियों पे एफआईआर तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को सीज करने से पहले 14 दिन के नोटिस को देना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि किसी कस्टमर ने दो ईएमआई नहीं दी है या फिर एक ही ईएमआई बाउंस हुई है, फिर भी रिकवरी एजेंट उनकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं, तो इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि वो बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस कंडीशन में भी उनके खिलाफ जो रिकवरी एजेंट है उनके खिलाफ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे लोगों के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का भी। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है, तो आप जल्द से जल्द इसमें पुलिस कंप्लेंट करें, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।